मैं राशि कपूर, INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपर फास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। उत्तराखंड आपदा के बाद रेस्क्यू के तीसरे दिन यानी मंगलवार को 6 और शव मिले हैं। 3 दिन में अब तक 32 लोग के शव मिल चुके हैं। सरकार के मुताबिक हादसे के बाद 206 लोग लापता हो गए, इनमें से 174 लोगों का अभी भी पता नहीं चला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 72 घंटे में दूसरी बार मंगलवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भ्रष्टाचार पर घेरा और बोले कि बुआ और भतीजे ने बंगाल में लूट मचा रखी है। उन्होंने माँ माटी और मानुष को कलंकित किया है, चुनाव में जनता उन्हें नमस्ते कर देगी। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के मामले में 15 दिन बाद गिरफ्तार पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सिद्धू को सोमवार रात गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश किया था। कोरोना की वजह से होने वाली मौतों को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से एक भी मौत रिकॉर्ड नहीं की गई। 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पिछले 3 हफ्तों में किसी भी मरीज की जान नहीं गई, तो वहीं पिछले साल अप्रैल के बाद पहली बार दिल्ली में कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री राज्यसभा में खड़े हुए, मौका जम्मू कश्मीर के 4 सांसदों को विदाई देने का था। ये राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। मोदी ने एक एक कर गुलाम नबी आज़ाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फयाज और नज़ीर अहमद का नाम लिया और शुभकामनाएं दी। मोदी ने 16 मिनट से 12 मिनट आज़ाद पर बात रखी। इतने भावुक हुए कि रो दिए, आंसू पोंछे, पानी पिया। करीब 6 मिनट तक सिसकियां लेते हुए आज़ाद से अपने संबंधों को याद करते रहे। काले हिरण शिकार मामले में फंसे सलमान खान के एक और मामले की सुनवाई मंगलवार को जोधपुर सेशन कोर्ट में हुई। सलमान इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, मामला झूठा एफिडेविट देने का है। इसकी सुनवाई के दौरान सलमान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कोर्ट में कहा कि 8 अगस्त 2003 को गलती से एफिडेविट दे दिया गया था, इसलिए सलमान को माफ कर दिया जाए। कोर्ट इस मामले में 11 फरवरी को फैसला सुनाएगा। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का मंगलवार को निधन हो गया। वे 58 साल के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव को हार्ट अटैक आया था, जिसके तुरंत बाद उनके बड़े भाई रणधीर कपूर उन्हें चेंबूर के इनलॉक्स हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में मंगलवार को बुलाए गए किसान महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अब आगे बढ़ता रहेगा और ये पूरे देश में फैलेगा। साथ ही ये भी कहा कि 4 लाख नहीं बल्कि अब 40 लाख ट्रैक्टर्स की रैली निकलेगी। सरकार ने मंगलवार को कहा कि OTT प्लेटफॉर्म के नियम के लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, जिससे संवेदनशील सामग्री जैसे मुद्दों का समाधान होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बताया कि OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं और इसकी नियमन के बारे में भी सुझाव मिले हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.